ଉଣେଇଶହ ବୟାନବେରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ

राम मंदिर जन्मभूमि कौ कौ आंदोलन होता केमती कार सेवक रथयात्रा होता केमी लालकृष्ण आडवानी रथयात्रा जितेबाला आरंभ करना गु, केमती है और विश्व हिंदू परिषद सहित तो, केमती संपर्क स्थापन हो कि आज भव्य राम मंदिर प्रतिष्ठा हापी जाऊँगी बहुत अवदान अच्छे सहित सीधा साल आलोचना करवा सर पहले तो आपको स्वागत है अर्गस न्यूज में सर आज राम राम मंदिर बन रहा है भव्य राम मंदिर को देखने के लिए विश्व भर में लोग आ रहे हैं इसके ऊपर आपका क्या टिप्पणी पहले जाना चाहूँगा पहले तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अरगज न्यूज़ चैनल को सभी की तरफ से अयोध्या में मैं समय निर्माण कार्यशाला में हूँ सबको जय श्री राम बोलता हूँ और ख़ास सपना जी आपका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ चूँकि बत्तीस वर्ष बाद आप के चैनल पर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक्सक्लूसिव जो खुलासा है कि उन्होंने 14 जनवरी उन्नीस को रामबिला दरबार में क्या संकल्प लिया था तो उसका मैं साक्षी रहा हूँ अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनसे एक प्रश्न पूछा था और वो उत्तर में क्या कहे थे वो रोमांचक बात है लोग जानना चाहेंगे आपका क्या सवाल था क्या प्रधानमंत्री उस समय आपको उत्तर दिए थे देखिए उस समय नरेंद्र मोदी जी का कोई बड़ा नाम नहीं था इस वजह से मतलब उनको पहचानने में कोई भी जब तक कोई बड़ा नाम नहीं होता कोई चर्चा नहीं होती तो उस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी जी के साथ वो आए हुए थे उस समय एकता यात्रा निकली हुई थी तो उस एकता यात्रा के लिए ही वो रामलीला दरबार में आए उस समय रामलीला दरबार में प्राकट उत्सव चल रहा था यानी जब रामलीला के दरबार में कोई मूर्ति प्रकट हुई थी उसका उत्सव चल रहा था तो उस उत्सव में वो आए थे तो मुरली मनोहर जोशी से जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी जी उनके इर्द गिर्द ज़्यादा ही नज़र आ रहे थे तो मुझे लगा कि कोई इनके ही हैं तभी इनके आसपास ही नज़र आ रहे हैं तो हमने मुरली मनोहर जोशी से पूछा था कि ये जो आपके साथ, साथ हैं तो ये कौन है इनका क्या नाम है तो उन्होंने तो कहा कि नरेंद्र मोदी नाम है इनका और ये गुजरात के बीजेपी के नेता हैं तो उस समय बड़ी हैंडसम पर्सनैलिटी थी नरेंद्र मोदी जी की और नौजवान थे और उस चेहरे पे मतलब दाढ़ी गाढ़ी रखे थे तो स्मार्ट लग रहे थे तो मैंने एक तस्वीर हमने कहा लाओ मैं खींच लूँ तो तस्वीर मैंने खींची उनकी उसके बाद फिर जब राम लला दरबार में आगे बढ़े तो मैं उनकी तस्वीर खींचते खींचते आगे बढ़ गया तो आमतौर पे लोग जो दर्शन करते हैं वो दर्शन करके चले जाते हैं पर नरेंद्र मोदी जी काफ़ी देर तक राम लला को निहारते रहे देखते रहे जैसे लगा उनसे कोई उनकी वार्ता हो रही है तो मुझे लगा कि कोई बातचीत रामलाला से इनकी हो रही तो मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उनसे चूँकि मैं पद पत्रिकाओं के लिए प्रेस फोटोग्राफी करता था तो एक पत्रिकारता वाला भी अंदर से रहता था कि सवाल इनसे किया जाए कि क्या बातचीत हो रही तो मैंने उनसे पूछ ही लिया कि आप कोई वार्ता कर रहे हैं क्या रामला जी बहुत देर से आप देख रहे हैं तब उन्होंने कहा इस बात का अभी मैं खुलासा नहीं करूँगा लेकिन हमने कहा चलिए कोई बात नहीं ना खुलासा कीजिए लेकिन ये बताइए क्या कोई संकल्प ले रहे थे क्या आप तो मुस्कुराए फिर हमने पूछा कि अच्छा ये बताइए कि आप राम दरबार में दोबारा कब आएंगे तब उन्होंने कहा था कि जब राम मंदिर का निर्माण होगा तब आऊंगा यदि आपन को हम वीडियो टी भल लगला तबे हम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबा को जमे भी बोलंत नहीं